आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय मूल के निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य पटवर्धन ने विश्व हिंदू कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू धर्म की विशेषताओं का जिक्र किया, साथ ही मीडिया और खासतौर से सोशल मीडिया पर कुछ विशेष तत्वों द्वारा हिंदू धर्म के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को भी रोकने पर जोर दिया। उन्होंने फिल्म और साहित्य में भी इस ओर गंभीरता बरतने की जरूरत बताई। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक भाषण के 125 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 सितंबर से 9 सितंबर 2018 तक शिकागो में आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस के इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जैसी कई दिग्गज हस्तियों ने भाग लिया। इसी कार्यक्रम में जयपुर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय मूल के निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य पटवर्धन ने भी बतौर वक्ता शिरकत की। उन्होंने हिंदू धर्म की प्राचीनता, महानता और वैज्ञानिकता की तारीफ की। इस अवसर पर उन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करने वालों के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने फिल्म जगत और साहित्य के समाज पर पड़ते प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि हमें हिंदू धर्म के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को फिल्म और साहित्य का हिस्सा बनाना चाहिए। आदित्य पटवर्धन द्वारा विश्व मंच पर हिंदू धर्म के महत्व का ऐसा सरल और मार्मिक वर्णन पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। उनके द्वारा हिंदू धर्म की जो व्याख्या की गई उससे देश के साथ साथ पूरे राजस्थान को गर्व का अनुभव हो रहा है। आदित्य पटवर्धन मूल रूप से जयपुर के निवासी हैं। बचपन से ही उनमें साहित्य और लेखन के प्रति दिलचस्पी ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।